लोकसभा की कार्यवाही आज हंगामे से भरी रही। शाम को विपक्षी गठबंधन INDIA का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इससे मोदी सरकार की जीत हुई है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा। इसी के साथ राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देश भरोसा रखे, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से चर्चा शुरू हुई थी, 3 दिन बाद आज ये खत्म हुई। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। इसके बाद संसद को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है, आप देखिए जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने 2-2 बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन
गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा। आपको आपको जो हक था आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मांगते थे वो यहां कैसे बैठ गया। ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है।